आपके विचार जिन पर आप शायद कभी गौर भी नहीं करते, शायद आप इतना भी नहीं जानते कि आपके ये सभी विचार आपके सिस्टम को अस्थिर करते हैं। हालांकि विचारों का आना कोई बुरी बात नहीं है, विचार तो सबको आते हैं, अब वे चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई ज्ञानी पुरुष। लेकिन आपके विचारों के प्रति आपकी पकड़ यह सुनिश्चित करती है कि आपका जीवन कैसा होगा। आप जितनी तीव्रता से अपने विचार के प्रति सक्रिय हो जाते हैं या आप वह विचार हो जाते हैं, तब आप उतने ही अस्थिर हो जाते हैं। अब एक बात देखो, आपके भीतर की अस्थिरता ये आपके जीवन को भी स्थिर नहीं रहने देती। आपके भीतर कुछ सूक्ष्म चल रहा है, यानी आपके थॉट्स, आपके विचार, और वही सूक्ष्म विचार आपके भौतिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप अपने विचारों को नहीं रोक सकते, ये जब रुकना होगा तो रुक जाएंगे। लेकिन आपका प्रयास कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह विचारों के सामने फेल हो जाएगा। आप अपने विचारों के प्रति जितनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपके विचारों को और अधिक शक्ति मिलती जा रही है। तो आज के इस विषय में हम यही बात करेंगे कि आपके विचार किस प्रकार काम करते हैं और आपको अपने विचारों से किस प्रकार से दूरी बनानी चाहिए, इसका सही तरीका क्या है। अगर आप अपने विचारों को समझ लेते हैं तो आपको तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो आपके विचार, शायद आपने कभी अपने विचारों के प्रति गौर ना किया हो, आपका कोई विचार आपको नहीं पकड़ता, बल्कि आप स्वयं ही अपने विचारों से जुड़ते हैं। आप कभी कभी कोई आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं, आपके भीतर टेम्परेरी इंस्टेंट परिवर्तन होता है और आपका झुकाव संन्यास की ओर हो जाता है। हाँ, कुछ समय के लिए आप दुनिया समाज से अपने आप को अलग मानते हैं और आपका अटैचमेंट इस संसार के और लोगों के प्रति कम होने लगता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थिरता आप महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी रोगी व्यक्ति को देखते हैं या सडन किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, उसकी सूचना आपको मिलती है। बेशक आपका संबंध उससे ना हो, लेकिन आपके मन में विचार सक्रिय हो जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो, अगर मुझे अनायास ही कोई रोग लग गया तो, या रास्ते में कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो सामने से आपने केवल एक सूचना सुनी, विचार के रूप में सूचना आपके भीतर गई, फिर एक उस नेगेटिव विचार ने आपके भीतर बहुत सारे नेगेटिव विचार सक्रिय कर दिए। अब आपके साथ भविष्य में ऐसा कुछ ना हो जाए तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या कोई जीवन बीमा पॉलिसी। अब पॉलिसी के बारे में सोचते ही आपके मन में और विचार आते हैं, आप पॉलिसी के बारे में सर्च करने लगते हैं, आप देखते हैं कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी होगी। अब उस पॉलिसी में आप ये देखते हैं कि कितना प्रीमियम देने पर आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एक विचार कहीं बाहर से आया, उसके बाद आपके सिस्टम ने ऑटोमेटिकली विचारों को जनरेट करना शुरू कर दिया। आप जैसा विचार अपने भीतर डालते हैं, आपका सिस्टम ठीक उसी प्रकार के विचारों को जन्म देने लगता है। आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, आपने केवल एक व्यक्ति को देखा जो सक्सेसफुल है, जिसकी पर्सनैलिटी ने आपको प्रभावित किया। उसका पैसा रुतवा पर्सनैलिटी देखकर आपके मन में भी अब कुछ ऐसा ही चलने वाला है, क्यों, है ना? आप उसी की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में तरह तरह के बिजनेस के आइडियाज आते हैं। आप किसी प्रेमी जोड़े को देखते हैं तो आपके अंदर प्रेम वाली भावनाएं जन्म ले लेती हैं। आप देखते हैं कि एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने जीवन में बहुत खुश दिख रहा है, वे दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। फिर आप उसको देखकर अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की तुलना आप सामने वाले व्यक्ति के साथ करने लगते हैं। इसी तरह से कोई भी एक विचार आता है, फिर आपके भीतर उसी के जैसे विचार आना शुरू हो जाते हैं। अब जरा ध्यान देना, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था कि आपके भीतर कभी कभी संन्यास वाली भावना जन्म ले लेती है। आप कई बार मुझसे भी कहते हैं कि सर, मेरा इस संसार से मोह खत्म हो गया है, मुझे अब संसार में कोई रस नजर नहीं आता, मुझे धन दौलत में कोई रस नहीं है, पैसा इंसान को खुशी नहीं दे सकता, इस तरह के प्रवचन आप देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सामाजिक विचार आपके दिमाग में आता है, कोई सांसारिक विचार, आपकी प्रवृत्ति तुरंत बदल जाती है। फिर आप अचानक से सन्यासी से सांसारिक हो जाते हैं, भोगी हो जाते हैं। फिर आप मुझसे कहते हैं कि पहले मेरा ध्यान लग जाता था, पहले मेरे जीवन में परिवर्तन आ गए थे, मैं आध्यात्मिक हो गया था, परंतु अब वो सभी अनुभव मुझे नहीं होते। तो मित्रों, ये सारा खेल विचारों का है। असल में आपके भीतर जैसे ही कोई विचार आता है, आप स्वयं वो विचार हो जाते हैं, आप उस विचार से जुड़ जाते हैं। उसके बाद आपके विचार आपके माध्यम से सुख भोगना चाहते हैं। तो अब आप कहोगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, विचारों का सिस्टम समझ में आ गया, तो अब इन विचारों से मुक्त कैसे हों, अपने विचारों को कैसे रोकें?
देखिए, मैंने पहले भी कहा था, विचारों को रोका नहीं जा सकता। आपके पास में केवल एक स्वतंत्रता है कि अपने विचारों को केवल आता जाता देखें। आपके विचार आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, बस उस समय आपको केवल इतना होश साधना है कि वह विचार क्या है, विचार किसे आया है, आपका वह विचार पूरा होने के बाद क्या होगा, उसका सुख कैसा होगा। अरे सुख होगा तो वह किसे होगा? क्या जो विचार को देख रहा है वह सुखी होगा, या केवल ये भ्रम है, एक माया है? बस उन सभी नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छे बुरे सभी विचारों को केवल दूर से देखना है। जब आप अपने विचारों को दूर से देखना सीख जाते हैं, तब आपका और आपके विचारों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, एक दूरी। और वह दूरी होते ही कर्ता अलग हो जाता है। जब कर्ता अलग हो गया, तब ना तो कर्ता को कोई रस है और ना ही उसकी कोई इच्छा रहती है, क्योंकि आप यह जान पाते हैं कि संसार की सभी वस्तुओं को भोगने वाला मैं नहीं हूं। जिसे आप भोगने वाला समझते थे, वे केवल भ्रम है, केवल एक धोखा। सुख, संपत्ति, धन, दौलत, दुख, पद, प्रतिष्ठा, ये सब केवल विचार हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, केवल विचार। बड़ा घर चाहते हैं, ये भी विचार। किसी को हराना चाहते हैं, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं, ये सभी विचार तो ही हैं। और किसी भी विचारों से घृणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मनुष्य का नेचर है, ये उसकी प्रकृति है। जो विचार आते हैं उन्हें आने दो, केवल उन्हें दूर से देखने का प्रयास करो, स्वयं वो विचार मत बन जाओ। जब आप वह विचार स्वयं बन जाते हैं या उन्हें तेजी से पकड़ लेते हैं, तभी उपद्रव शुरू होता है, तभी सभी समस्याएं आती हैं। अदरवाइज आप तो सदैव से मुक्त हैं, बस उस मुक्त वाली अवस्था का अनुभव करना बाकी है। एनीवे, अगर आप अपने शहर में, सोसाइटी में मेडिटेशन यानी ध्यान का सेशन करवाना चाहते हैं या कोई सेमिनार करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ये लाइन रोजाना शाम 7 बजे से 10 बजे तक खुलेगी।